ये जो मुगलपुरा है, जो ब्रह्म सरोवर है, इसके इसका नाम पहले उन्होंने रख दिया मुगलपुरा। और मुगलपुरे में इन्होंने क्या काम किया कि जो भी यहाँ तीर्थ में आएगा, क्योंकि इस तीर्थ की बड़ी महिमा है सारे भारतवर्ष में, और ये कर दिया कि इस तीर्थ के कारण से सारे लोग लाखों आते हैं, तो इस तीर्थ पे कर दिया कि एक चांदी का सिक्का दोगे तो एक लोटा पानी आपको मिलेगा। तो लोग आते थे तो पवित्रता के कारण से, और उनने सारा खजाना इससे भर जाता था, भाई एक लोटा जल दे दो और कुछ नहीं हो। सारा काम ये मुगलों का चलता रहा, लूटते रहे लोगों को। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब दिल्ली को फतेह किया पेशवा ने, तो उसने कहा हमने दिल्ली जीत ली है, शिवाजी के वंशज हैं हम, इसलिए चलो कुरुक्षेत्र को भी मुगलों से स्वतंत्र कराने चलते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि भाऊ राव को भेजो, ये पहले वहाँ देख के आए, मुगलों की ताकत का अंदाजा लगा के आए कितनी ताकत है, तो जब हम दिल्ली तक आ गए हैं तो कुरुक्षेत्र पर भी आक्रमण करेंगे। तो भाऊ राव को भेजा, ये समाना भाऊ जो है कुरुक्षेत्र का एक हिस्सा है, यहाँ भाऊ यहाँ करके बैठे, समाना का मतलब डेरा, यहाँ भाऊ राव का डेरा लगा। भाऊ राव के यहाँ आए और उन्होंने नहाने के लिए पहले कहा, 80 आदमी उनके साथ आए थे, उन्होंने कहा हमें नहाने के लिए जल भेज दो, और वो पैसा उन्होंने भेज दिया। इन्हें लग गया कि भाऊ राव के पास बहुत पैसा है, दिल्ली से आया है और इतना धन इसने भेज दिया है, तो इन्होंने क्या काम किया कि उस सारा सिक्के तो रख लिए, और उसके बाद जो घड़ा भेजा था उसने, उस घड़े के अंदर घोड़ों का पेशाब भर करके, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस तालाब से ज़्यादा पवित्र पाक जो है वो हमारे घोड़ों का पेशाब है, इससे स्नान कर लो। तो भाऊ राव ने को बड़ा अपमान महसूस हुआ। भाऊ राव ने कहा अपने साथियों को कि जब हमने दिल्ली जीत ली तो कुरुक्षेत्र, चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ सेना लेकर के, और सेना लेकर के आते हैं, रात को देवी के मंदिर में बैठ करके उन्होंने देवी की आराधना की। अब पौराणिक कथा तो यह है कि देवी प्रकट हुई रात को, और देवी ने उनको कहा कि तुम दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जितने घोड़े बना करके मिट्टी के यहाँ चढ़ाओगे मैं उन घोड़ों में जान डाल दूंगी, और वो घोड़े जो हैं वो सुबह युद्ध करेंगे और इनकी पराजय होगी मुगलों की। लेकिन ये कहानी जो एक कहानी है, इसका ऐतिहासिक जो पक्ष है वो ये है कि यहाँ जब वो बैठे तो यहाँ के लोगों ने कहा कि आपने, यहाँ के लोग जो हैं बड़े निस्तेज हुए पड़े हैं, यहाँ युद्ध भूमि रही है, यहाँ रोड़ों ने, जाटों ने, गुजरों ने हमेशा टक्कर ली है, लेकिन अब वो निस्तेज हो गए हैं, हार गए हैं लड़ते लड़ते, आप उन लोगों को कहो कि हमने दिल्ली जीत ली है हमारा मराठों ने, और अगर एक बार उनको बता दिया तो वो उनकी तलवारें जो हैं वो दोबारा निकली आएंगी। तो वो रात रात में 80 आदमी जो थे मराठे, वो एक एक गांव में गए, और जो देवी की बात थी उसको ये कहते हैं कि जो मिट्टी बने हुए बैठे थे, जो जिनके अंदर, लेकिन वीरता उनके अंदर बहुत थी, जा करके उनका तेज जगाया, अरे तुम तो बड़े लड़ाकू रहे हो, तुमने तो यहाँ मुगलों का और बाहर के हमलावरों का बड़ा मुकाबला किया है, हजारों लोग तुम्हारे मरे हैं, अब हमने जब दिल्ली जीत ली है मराठों ने तो हम दिल्ली के कुरु खड़े हो जाओ तुम। तो वो जो थे, जो देवी ने कहा था कि मिट्टी के घोड़े बनाओगे उनमें भी जान डाल दूंगी, तो यहाँ के लोग जो मिट्टी के रूप में पड़े हो गए थे, जो निस्तेज हो गए थे, डिमोरलाइज पड़े हुए थे, वो जैसे ही उन्होंने सुना कि दिल्ली जीत ली है मराठों ने, वो सारी तलवारें निकली आई उनकी, और सुबह ही यहाँ 10,000 सेना खड़ी हो गई, और उस 10,000 सेना ने क्या काम किया कि मारकाट मचानी शुरू किए। जो सरहंद का सूबेदार था वो अपनी जान बचा करके किसी तरह भागा, बाकी मुगलों की सारी सेना, एक भी आदमी नहीं बचा, और सारा स्वतंत्र करा लिया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दोबारा स्वतंत्र हो गए और अपना साम्राज्य बन गया, जो मुगलपुरा है इसका नाम परसोत्तम बाग रख दिया गया, और सब मुगलों में स्वतंत्र, तो कुरुक्षेत्र की स्वतंत्र सत्ता फिर से कायम हो गई।